गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फिर से स्वागत है एक बार। तो मैं आज जा रहा हूँ अपना पासवर्ड लेने। मेरे को परसों ही मैसेज आया था कि अपना पासवर्ड आप अपने नगर पालिका म्यूनसिपलिटी से आप कलेक्ट कर सकते हो। मैसेज आ गया था। अभी मैं जा रहा हूँ वहाँ उस ऑफिस पे, नगर पालिका पर। और ये है मोनिका कज़न। और घूमने के लिए जा रही है। ये घूमने के लिए जा रही है। कहाँ जा रही है? सुरखेत। सुरखेत, यानी कि इनको ना सुबह टाइम से चले जाना चाहिए था, क्योंकि सुरखेत जाने का रास्ता 3 घंटा लगता है जाने के लिए, और आने के लिए भी 3 घंटा लगता है। अभी 12 बज गए, पता नहीं कितना घूमेंगे 1-2 घंटा। शाम को घर भी तो आना पड़ता है वापस। तो देखते क्या क्या होता है। अभी हम बस से जाएंगे कोहलपुर, ये जाएंगे आधे रास्ता तक जाएगी ना। हाँ, आधे रास्ते तक जाएगी। तो मैं जाऊंगा सीधा कोहलपुर, वहाँ से जाऊंगा अपना नागरिकता लेने मामी के घर, और वहाँ से देखते फिर आएंगे वापस कोहलपुर। कोहलपुर में अपना पासपोर्ट चेक करेंगे, फिर क्या होता कोई पता नहीं। उसके बाद आया कि नहीं दिखाएंगे आपको अपना पासपोर्ट। मिलते हैं वहीं पर। तो गाइज, मैं अभी यहाँ भैया के साथ आया, दादा के साथ, वहाँ से बाइक में। ठीक है, आधा रास्ता तक मैं ऐसे ही आ गया आज बाइक में। मज़ा आया पर बैठने के लिए। पूछा कहाँ तक जा रहे हो, मैंने बोला कोहलपुर तक। कोहलपुर जा रहा हूँ मैं। इन्होंने बोला मैं तो आधे रास्ते तक की हूँ। तो मैंने बोला ले जाओ वहाँ तक भी। तो मैं यहाँ तक मजे से आ गया, यहाँ से अब पैदल जा सकता हूँ पर, क्योंकि यहाँ से अब नज़दीक ही है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो चलिए वहाँ तक पैदल चलते हैं। अब देखिए गाइस, कुत्ते को नहला रही हैं यहाँ पर। और अभी का मौसम ना एकदम ऐसा हो रखा है जैसे तूफान आने जैसा हुआ है अभी। देखिए कैसा हुआ है अभी का मौसम, तूफान जैसा ऐसा लगता है अभी तूफान आने की संभावना है। देखिए गाइस क्या हाल चल रहा है यहाँ का। तो ठीक है, हेलो, ठीक है। तो जाके पूछते हैं अभी नगर पालिका पे और पासवर्ड आया कि नहीं, पासवर्ड के बारे में। यार देखिए गाइस कित हेलो गाइस, मेरे को ना मेरी सिस्टर मिल गई है। हेलो, कहाँ दी रहा? हाँ, पावनी को बुलाने को। कस्तो तूफान है को गाइस, देखे क्या किस तरह इधर से तूफान आ गया। अभी अभी लगता है हम उड़ भी सकते हैं। हाँ तो गाइस, ये है सुशीला और पहली बार आई है मेरी वीडियो पर। किन घुमन आगे सुशीलातिर सर्टिफिकेट निकाल्नु भयो? कस्तो एकदम खराब हो मौसम।
माँ तो आधा बाटो सुन बाइक में आई थी बस एटा को सोच मैं पैदल हिड़ अब सच में गाय हालत एकदम खराब हो गई है यहाँ पर आंखों में धूल जाके यहाँ की जो दुकान है ना सेल लगा होता है वो सारे कपड़े अपने बंद कर रहे हैं क्योंकि उड़ते जा रहे हैं देखिए किस तरह पैक कर दिए यहाँ पर सारे जहाँ जहाँ भी सेल लगा था ना सारा बंद कर दिया है फिर तो भी एकदम हालत खराब हो गई आंखों में इतना धूल चला गया क्या ही बोले आगे चलने के लिए भी जोर लगाना पड़ रहा है हल्का हल्का क्या ही बोले। गाइस मैं कोहलपुर नगर पालिका पहुंच गया हूं। ये देखिए गाइस कोहलपुर नगर पालिका और मैं यहां पर अभी पूछूंगा कि मेरा पासवर्ड आया कि नहीं तो चलिए पूछते हैं और आपको अगर आया होगा तो दिखाते हैं नहीं तो क्या करना हो गाइस। ये रहा मेरा पासपोर्ट नेपाल एंड जो ये नेपाल का हिमाल है सगरमाथा और नेपाल का नक्शा राजधानी पासपोर्ट अंदर का दिखाता हूँ गाइस। ई पासपोर्ट अंदर का कुछ इस तरह है। ये राष्ट्रीय पक्षी है दाफे इधर को इस तरह नाम लिखा है और गाइस ये देखिए गाइस इधर है मेरा सारा नाम। मैं अपना सारा नाम नूम काट दूंगा क्योंकि फ़ोटो बचाऊंगा सिर्फ क्योंकि प्राइवेसी तो प्राइवेसी होती है। ये है गाइस पत्ती पेज